हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल चावल, अरहर की दाल जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, और चावल साथ में, और आलू, उबला हुआ आलू, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छा लगता है मेरे को दाल के साथ। तो दाल में मैंने नमक और हल्दी डाल दी है, और इसको ना करछी की सहायता से नमक और हल्दी डाल के चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और मैंने दाल चावल और आलू जो है एक साथ बनाने वाली हूँ, इसीलिए जो है मैंने बड़ा कुकर लिया है। अदरवाइज़ मेरे पास छोटा कुकर है 1.5 लीटर का, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ अपने लिए, वही मेरे लिए इनफ रहता है। और जब दाल चावल एक साथ बनाने होते हैं तो चौड़े मुँह का बर्तन चाहिए होता है, तो ये वाला कुकर मैंने आज लिया है। और ये स्टील की डिब्बिया में मैं चावल डाल के इसके अंदर डाल दूँगी दाल के साथ ही। और ये देखो, इस तरीके से मैंने चावल को 2 बार धो लिया है, सफ़ेद पानी उसका सारा निकाल दिया है। और मैंने प्लेट के ऊपर रखी हुई थी डिब्बिया, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आपको इस तरीके से बनाना हो खाना तो डिब्बिया को शेल्फ पे मत रखो, अदरवाइज़ फिर वही गंदी डिब्बिया जो है हम दाल में डालेंगे तो अच्छा नहीं रहता, अनहाइजेनिक होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से ढक्कन लगा दूंगी, आलू भी डाल दिए मैंने 4 इसमें, आपने देखा ही होगा। और गैस को ऑन कर दूंगी, 2 सीटी लगवा लूँगी। कुकर में सीटी आ चुकी है, और सीटी आने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। जब इसका प्रेशर निकल चुका है तो हम खोलते हैं कुकर को। तो आप देख सकते हैं आलू भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, और दाल भी हो ही चुकी है पूरी तरीके से। अब जो है ये डिब्बिया मैं बाहर निकालती हूँ, और सावधानी से निकालनी है, गर्म होती है डिब्बिया, भाप भी निकल रही होती, निकल नहीं रही थी डिब्बिया, गर्म थी, तो किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके मैंने डिब्बिया को बाहर निकाल लिया है। और अब जो है दाल में तड़का लगाऊंगी, उससे पहले ये आलू भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। तड़का जो है आज मैं पहली बार अपने ससुराल में लहसुन का तड़का लगाऊंगी। मैंने ना तो कभी अपनी सास के सामने लगाया, ना मैंने कभी अपने हस्बैंड के सामने लगाया, बट मैंने कहा चलो दीयू को आदत होनी चाहिए लहसुन के तड़के की, और अच्छा भी होता है लहसुन खाने में, कोई बुराई नहीं है लहसुन खाने में, बट नहीं खाते थे तो मैं नहीं डालती थी। लेकिन आज पहली बार मैं लहसुन डालूंगी अपने ससुराल में, ये अनोखा काम मैं कर रही हूँ। हींग जीरा डालने के बाद लहसुन डाला, और फिर प्याज डाली, और उसके बाद जब प्याज हो जाएगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी रंग वाली मिर्चें, यानी कि कश्मीरी मिर्चें। तो कश्मीरी मिर्चों से क्या होता है, थोड़ा सा रंग आ जाता है और कुछ नहीं, और बहुत कम डालती हूँ मैं, बहुत ही कम। ये देखो डाल दी है, और अब मैं इसमें दाल में डाल दूंगी तड़का। दाल में तड़का लग चुका है, दाल हमारी रेडी हो चुकी है, तो दाल को कर देते हैं साइड में। अब जो है अब हमारी ये जो चावल वाली डिब्बिया है इसको खोल के देखते हैं कि हमारे चावलों को क्या हाल है। तो चावल देखो बड़े ही अच्छे बन के तैयार हो गए हैं, खिला खिला चावल है, और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखो चावल एकदम खिला खिला सा बना है, चिपका नहीं है, पानी की क्वांटिटी भी एकदम सही थी, चावल गीला भी नहीं हुआ है। और एक आलू भी जो है मैं थोड़ा छील के दिखा देती हूँ आपको, ये देखो आलू भी अच्छे से पक गया है। मैंने लगा ली है अपनी प्लेट, आज दाल चावल और आलू की सब्जी खाएंगे हम लोग, तो आप लोग भी खा लीजिए, और इस तरीके से बनाओ तो मुझे बताना ज़रूर। मैं अपना खाना लेकर अंदर आ चुकी हूँ, दिया मेरा बहुत देर से वेट कर रही थी। दिया को मैंने बता दिया था ना कि मैं दाल चावल बना रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि मम्मी कब दाल चावल लेकर अंदर आएगी। इसको दाल चावल, दाल रोटी, राजमा चावल, छोले चावल, काले चने, ये सब बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए ये सब बनाती रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है की पसंद का खाना बनाना। इसको सूजी का हलवा भी बहुत पसंद है। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं दाल चावल, आप लोग भी आ जाइए। दियो और कुछ चाहिए क्या? और क्या? और कुछ क्या? लोती नहीं, दाल चावल खाओ लोती। गेट खुला हुआ है, आज गेट खुला बाहर का, बाहर तक का दिखता है, यहाँ से धूप हो रही है बहुत तेज। गेट पूरा खुला हुआ है, कपड़े धोए हैं मैंने बहुत सारे, ये देखो ये मैंने कपड़े धोए हैं,
कुछ ये चारपाई पे है और कुछ ये है ऊपर है। आप लोगों को कपड़े दिखाते के दिखाते मैंने सोचा कि चलो कपड़ों को थोड़ा अलट पलट कर देती हूँ, जल्दी से अच्छे से सूख जाएंगे। बट मोस्टली कपड़े जो हैं वो ऑलरेडी सूख ही चुके थे, तो मैंने कहा उतार लेती हूँ और जो दूसरे कपड़े मैंने अपने भी धो रखे हैं उनको डाल दूँगी। तो पहले ये वाले कपड़े मैं उतार लूँगी और इनको उतार के अंदर रख के और जो नहीं सूखे हैं उनको पलट दूँगी। बाकी जो है सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं फटाफट से, 9:30 बजे मैंने डाले थे और अब जो है 11:15 11:30 का टाइम है, तो बहुत जल्दी मेरे कपड़े सूख गए हैं। और ये मेरे कपड़े, मैं ये जो टी शर्टें होती हैं या कुर्ते होते हैं ये तो मैं यहीं पर टांग देती हूँ तार पे, ये रास्ता पड़ता है बाथरूम आने जाने का, तो ये टी शर्टें वगैरह तो मैं यहीं पर टांग देती हूँ। बाकी जो आसन वाले कपड़े होते हैं मैं वो साइड में टांगती हूँ ताकि उसके नीचे से निकल के ना जाना पड़े ना मुझे ना दियू को ना राखी को। कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता आसन वाले कपड़ों के नीचे से निकलना, तो बस मैं इनको साइड में इस तरीके से डाल देती हूँ और ऊपर जाने का मैं झंझट नहीं पालना चाहती, वरना ऊपर तो बहुत जल्दी सूखते हैं कपड़े। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं अपने कपड़े दिया के, मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे। सुबह क्या मतलब 9:15 बजे मैंने धो के कपड़े डाल दिए थे और ये सारे सूख चुके हैं। अभी यही रख दिए स्कूटी पे और दियो खाना खा ले, पिटाई हो जाएगी। स्कूटी पे रख दिए हैं, अभी मैं थोड़ी देर में पैक करूँगी और जो चल रही है मेरी अभी तक थक गई बच्ची। मैं बहुत देर हो गई मुझको काम करते करते, पंखा धीरे कर दूँ फिर आवाज़ नहीं आती है ना व्लॉग में अच्छे से। सब लोग कहते हैं दीदी आपकी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। तो अब बैठूंगी थोड़ा सा रिलैक्स होके। अरे देखो कूलर में पानी भर दिया था मैंने सुबह ही, 4 बाल्टियां खुद मैंने पानी भर के डाली है बारी बारी। और सुबह थोड़ा सा लेट उठे थे हम, यानी कि आप कह लो कि 9 बजे उठी हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होके सीधा कपड़े धोने बैठ गई क्योंकि मैंने सोचा था मैं कपड़े ही धोऊंगी, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे दिया के, तो कपड़े धोए मैंने सुबह सुबह। और इसके मैंने हैंड टू हैंड डाल दिए, छत पे मैं डालने नहीं गई, मैंने कहा यार फिर एक ड्यूटी सी बन जाती है कपड़े छत पे डाले हैं उतारो अल्टो पलटो, तो नीचे ही डाल दिए थे मैंने और नीचे मुझे पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, दियू के सूख गए हैं और अब अपने डाल दिए हैं। धूप बहुत तेज़ होती है, कपड़े बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं अच्छे से। और टंकी खाली हो चुकी है बिल्कुल क्योंकि सारे काम करे, कपड़े धोए और किचन धोई पूरी, आंगन धोया जहाँ पे स्कूटी खड़ी होती है और झाड़ू पोछा किया, बस इतना सारा काम हो गया। नहाना भी हो गया, दियू नहीं नहाई, दियू को मैं टंकी के पानी से नहीं नहलाती हूँ, मैं खुद नहा ली टंकी के पानी से। और बस अब पानी आएगा 1 बजे, दियू को नहलाऊँगी और एक काम और रह जाता है बोतलें भरने का, क्योंकि टंकी का पानी पी भी नहीं सकते हैं तो बोतलें भी मेरी रह जाती हैं और एक्स्ट्रा वैसे होती है तो वो सुबह उठते मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। ये सारा काम कर चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, खाना भी बना लिया है खा भी लिया है और मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि काम करते करते देर हो गई। मैं 9 बजे उठी, ये दोनों 10:30 बजे के करीब उठी है, तब तक मेरा सारा काम हो चुका था और 11:30 बज रहे हैं अब। मैंने नाश्ते की जगह सीधा खाना ही बना लिया, अभी खा लिया है और इतना खाना है एक्स्ट्रा कि दोपहर में भी खा लूँ अगर भूख लगती है तो। और दीवू के लिए मैं आलू फ्राई करूँगी और एक रोटी, क्योंकि अभी सुबह उसने दाल चावल खा लिए, थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ मैं उसको, अगर दाल चावल खाना चाहिए तो दाल चावल भी खा लेगी, कोई मतलब ऐसा मैं नाजो नखरे वाले उसको नहीं बनाने वाली, अगर कहेगी तो वो खा लेगी। और बस अब मैं लेटूंगी, 1 बजने में अभी बहुत टाइम है, 1-1.5 घंटा है, तो मैं लेटूंगी आराम से। और कूलर कूलर की ज़रूरत पड़ रही है आजकल, दिन में भी बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। थैंक यू सो मच, कल आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोग उकसाने की कोशिश कर रहे थे, डबल डबल जो मीनिंग होता है ना वो निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसी हो, तुम चाहती हो दूसरा भी वैसा हो जाए, तो उसके लिए वो मेरे बाप तक जा रहे थे और मेरे हस्बैंड तक जा रहे थे, ठीक है। और हस्बैंड तक जाने का मतलब पता है क्या, जाओगे ना तब पता चल जाएगा मेरे हस्बैंड के पास तक,
वहां तक मत जाओ, बहुत ज्यादा चीज होती है वहां तक जाना, वहां तक जाने की कोशिश भी मत करो। तो लोग उनको काफी बातें सुना रहे हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, बहुत बातें सुना रहे हैं और करने की कोशिश वो कर रहे हैं ना, उनको करने दो, मेरे बस की नहीं है यार। मैं एक सिंगल मदर हूँ और जैसे कि लोग मुझे ताना दे रहे हैं ना कि हमारे बच्चों को देखने के लिए उसके पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे का कोई भी नहीं है, मेरे बच्चे का बाप नहीं है, मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मेरे बच्चे का कोई है या नहीं है इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनफ हूँ। और पापा उसके हैं नहीं लेकिन थे और बहुत ही अच्छे थे, और उसके पापा के ना होने के बाद भी मैं कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करने दूंगी और उनकी सारी इच्छा पूरी करूंगी और बच्चे को बढ़िया बढ़िया संस्कार दूंगी मैं, जैसे उसके पापा चाहते थे। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद अगेन फिर से। और मैं हूँ ना सब लोगों के लिए हूँ मैं।